कांग्रेस पार्टी के दीपक भाई, आपका भी बहुत दिल से धन्यवाद। दीपक यादव जी, थैंक यू सो मच, मिलने हमसे बहुत कुछ सीखना है। दानिश स्ट्राइक पर, निकेत नॉन स्ट्राइक पर, और गेंदबाज है हमारे अनीश। ये लीजिए पॉइंट के थोड़ा सा वाइडिस कर सकता हूं, एक्स्ट्रा पॉइंट के पास से रन आता हुआ, और 12वां खिलाड़ी जो ट्री है हमेशा काम करता है यहां पर। तीन गेंदों में तीन रन। दानिश तीन गेंदों में तीन रन बनाकर खेल रहे हैं, टीम का स्कोर भी तीन है। अनिकेत नॉन स्ट्राइक पर है और अनिकेत गेंदबाजी भी कर रहे हैं। अनिश अनिश माफ कीजिएगा। शॉट बढ़िया है, देखते हैं क्या होता है। एम्पायर का इशारा का वेट करेंगे। छह रन। मनोज मोहिते जी जहां कहीं पे प्लीज स्टेज के पास आए। और ये चार रन मिलेंगे मिड विकेट के क्षेत्र पर। वो बढ़िया शॉट था लेकिन उतना ही अच्छा कैच। एक ओवर की समाप्ति के साथ 13 रन। और यहाँ पर तौकीर बॉलिंग डालने के लिए आए हैं। क्या ओमकार अभी बैटिंग कौन कर रहा है? ओमकार ओमकार। और दूसरा कौन है? दानिश। ओमकार ओमकार भाई प्रोफेशनल अंपायर है, ये ही अंपायर है। पूरा चेयर है पूरा। अरे बोल रहा हूं फाइनल है। और ये डॉट गेंद
14 तीन गेंदों में 14 रन, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा। सेकंड आप भी बाकी रहे। और यहाँ पर दानिश आउट हो। काफी शानदार गेंद थी। दो ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन। अखिल बादशाह और यहां पर बॉलिंग डालने के लिए आए हैं अखिल बादशाह। वाइड गेंद, स्कोर बढ़कर 17 रन। एक बॉल 17 रन। अंपायर का इशारा वाइड, स्कोर बढ़कर हो गया 18 रन।
एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा और स्कोर बढ़कर हो गया 19 रन। दो गेंदों में दो गेंद होकर 19 रन। तीन गेंदे 20 रन। अंपायर का इशारा वाइड। और एक काफी जानदार शॉट है, देखना होगा, और ये बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई, इसके साथ इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। दो ओवर पांच बॉल में 28 रन। वन टू गो। इस ओवर की ये आखिरी गेंद है। काफी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, एक रन के साथ ही संतुष्ट करना पड़ेगा बैट्समैन को। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं अनिल चंद्रशेखर सर जी का, जो अभी यहाँ पधारने वाले हैं। बॉलर का नाम क्या है? और यहाँ पर बॉलिंग डालने के लिए आया है विकी। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच है ये विकी। और ये देखना होगा अंपायर का क्या इशारा होता है। कृपया लेग साइड में ट्रैक को खाली करिए, खाली करिए।
जितने भी ट्रैक के आगे बैठे हैं सब लोग एम्पायर ने दो रन का डिसीजन दिया है। दो रन टोटल स्कोर हो गया 33, दो गेंद 33। और ये देखना होगा अंपायर का इशारा नो बॉल और ये हाइट का नो बॉल दिया हुआ है, इसमें फ्री हिट है। स्कोर हुआ 35 और ये फ्री हिट है, ये गेंद जो है फ्री हिट रहेगी। और ये बाई का रन 36, टोटल स्कोर हो गया 36। तीन ओवर तीन बॉल 36। 29 क्या है अंपायर का इशारा, और अंपायर का इशारा 4 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए ओमकार, अंतिम दो गेंदें बची हुई है। ओहो स्लोअर बॉल, पांचवी गेंद पर दो रन आया और टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 42 हो गया है। अब अंतिम गेंद है ये, कैच मिस होता हुआ यहां पर, बहुत अच्छे से कोशिश की। और अभी का दो रन है, टोटल स्कोर हो गया है 44, टीम का टोटल स्कोर है 44।
सभी स्थानिक प्लेयर की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा असलम शेख जी को, जो हमारे महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और मुंबई के पालक मंत्री, मलाड विधानसभा के स्थानीय आमदार, सभी प्लेयर्स और हमारे खिलाड़ियों की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पराग शाह जी जो हमारे उत्तर मुंबई जिला के सेक्रेटरी हैं, उनके माध्यम से वार्ड क्रमांक 35 के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता महेश वानी जी, आमिर खाजी जी, जोर शोर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें इस मैच के लिए ट्रॉफी की, जिन्होंने स्पॉन्सरशिप और मदद की है। उसी के साथ चिरंजीवी जी, वेंकटेश जी, रामलिंगम जी और सभी प्यारे हमारे आए हुए सभी ऑडियंस और सभी युवा खिलाड़ी, इन सभी की तरफ से मैं हमारे आमदार और मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने पूरे मलाड में कई तरह का स्पोर्ट्स का एक्टिविटी और सभी प्लेयरों के लिए फुटबॉल का मैच हो, क्रिकेट मैच हो और आने वाले जनवरी में कबड्डी मैच का भी आयोजन किया जा रहा है। इसीलिए जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, टेनिस, सभी खिलाड़ियों को और सभी यंगस्टर को उत्साह दिलाते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए पूरे मराड में बहुत से जगहों में इस तरह से मैच और इस तरह से जो भी गेम्स हैं, सभी वार्ड में सभी कार्यकर्ताओं को कहा गया कि आप सभी लोग इस तरह से स्पोर्ट्स और गेम का कार्यक्रम रखिए जिससे हमारे यहाँ के युवाओं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं वो खेलें और अच्छी तरह से उसमें सफलता पाकर हमारे मलाड से निकलकर, मुंबई से निकलकर पूरे भारत की तरफ से ओलंपिक हो, वर्ल्ड हो, उस मैच में पार्टिसिपेट लें और हमारे युवा आगे बढ़े और हमारे देश का और पूरे भारत का नाम रोशन करें। जल्दी से जल्दी अपनी फील्डिंग सजाएं, समय की काफी पाबंदी है। जल्दी फील्डिंग सजाइए सर। को 5 बजे जो फाइनल दो टीम की मैच होगी, उस मैच को देखने के लिए हमारे महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर और मुंबई के पालक मंत्री यहां पर उपस्थित होंगे।
और बैट्समैन जो है कासिफ और विकी बैटिंग करने के लिए, और स्ट्राइक पर जो है वो कासिफ है। पहली गेंद पर 6 रन। गेंदों में 2 छक्के लग गए हैं यहां पर। कासिफ भाई फुल फॉर्म में चल रहे हैं।
और अंपायर का इशारा वाइड, दो बॉल 13 रन। यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। चार बॉल, चार बॉल में 20 रन। तीन छक्का एक वाइड एक सिंगल। काफी अच्छी रनिंग और यहां पर एक और रन चुराना चाहते थे लेकिन वापस आए। इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन, पांच गेंदों में 22 रन आ चुके हैं। काफी अच्छा स्कोर चल रहा है यहां पर। और यहां पर ओवर की समाप्ति और स्कोर बढ़ता हुआ 23, 23 रन एक ओवर में, 23 रन आए हैं पहले ओवर में 23 रन। अठारह गेंदों में 22 रन की आवश्यकता है यहां पर जीतने के लिए। जो बैट्समैन है वो है विकी, विकी सामना करेंगे संजय का। बाईस रनों की आवश्यकता है 18 गेंदों में। अरे काफी अच्छा शॉट है, देखना होगा, कृपया करके फील्डर को ध्यान दीजिए।
ये डिसीजन 4 रन था। यहां पर संजय तैयार होते हुए विक्की सामना करेंगे उनका। यहां तैयार संजय, रिवर्स मारने की कोशिश, बॉल ऊपर जाती हुई, देखते हैं कैच होता है कि नहीं। यहां पर गिरता हुआ विकेट विक्की का। बैट्समैन थोड़ा जल्दी कीजिए। कासिफ जो पहले ओवर में बहुत ही अच्छे खेलते हुए दिखाई दिए थे, अब सामना करेंगे संजय का। कासिफ तैयार, संजय तैयार, देखते हैं क्या होता है। विकेट, छक्का, 2 रन, 1 रन। दो बॉल 27, देखते हैं कासिफ क्या करते हैं संजय के सामने। घुमाना चाहते थे लेकिन डॉट बॉल। बहुत ही अच्छा बॉलिंग डालते हुए, पिछले मैच में भी संजय ने बहुत ही प्रभावित किया बॉलिंग करके, देखते हैं अभी क्या करते हैं। घुमाना चाहते थे कीपर में, सीधा डिक्टून में जाते हुए बॉल। 1 रन डिक्लेयर से ही फिर कासिफ तैयार होते हुए संजय। संजय तैयार, घुमाना चाहते थे सीधा 6 रन, दंदन आता हुआ, छक्का जाता हुआ। यहां पर स्कोर जाता हुआ 34, 10 रनों की जरूरत। अरे काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर 7-11, कितना हुआ टोटल? 34 स्कोर जो हुआ है, टोटल 34 रन हुआ है। चाहिए कितना रन? 12 बॉल में 11 रन, 12 बॉल में 11 रन की आवश्यकता है जीत के लिए। 12 बॉल में 11 रन की आवश्यकता है।
यहाँ पर बॉलिंग के लिए आए हैं शिवा। यहाँ पर शिवा तैयार, फिरोज सामना करते हुए घुमा दिया लेकिन फील्डर वहां मौजूद, सिंगल से संतुष्टि करना पड़ेगा। ग्यारह गेंदों में 10 रन की आवश्यकता है। हेलो, जीत के लिए 11 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है। देखते हैं रवि जी क्या करते हैं, बैट्समैन मारे या कि बॉलर गेम लेके जाएगा। यहां पर काशिफ तैयार, शिवा तैयार, देखते हैं क्या करता है। जोर से मारने की कोशिश, गेंद आसमान पर, फील्डर नीचे नहीं, छगा से अंपायर का इशारा, हुआ 6 रन। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन, 41। बहुत ही अच्छा बैटिंग करते हुए कासिफ, जिन्होंने अपनी इनिंग में 4 छगे मार के बहुत ही अच्छा बैटिंग करते हुए। अभी 2 छगा मारा क्या? अरे अभी 2 छगा मारा। 4 रन चाहिए ना जीतने के लिए। घुमाना चाहते थे लेकिन सिंगल करना पड़ेगा। अब फिरोज स्ट्राइक पर, बॉलिंग मार्क पर शिवा, देखते हैं क्या होता है। सिंगल ढकेल दिया सूझबूझ की गेम खेलते हुए। 8 बॉल, 2 रनों की जरूरत। देखते हैं अभी काशिफ 6 मार के अपनी टीम को विजय बनाते हैं कि विकेट देके। वाइड बॉल, और यहां पर अंपायर का इशारा वाइड। कितना चाहिए अभी? 1 रन। 2 गेंदों में 1 रन की आवश्यकता है। देखते हैं रवि जी छक्का मार के जिताते हैं कि क्या करके जिताते हैं। अरे बैटरी है। घुमा दी मशीन का पार। यहां पर चैलेंजर टीम जीतती हुई। छह छक्कों के साथ और यहां पर स्कोर अपना पर्सनल टीमों के स्टेज पर आ जाइए, स्टेज पर आ जाइए टॉस के लिए। दोनों टीम आ जाइए, अपना मैन ऑफ द मैच पर आ जाइए। काशिफ आ जाइए अपना मैन ऑफ द मैच लेने, जल्द से जल्द, लेट ना करे।
काशिप भाई मनोज मोहिते मनोज मोहिते काशी भाई टक्कल अंबा हाँ तो बोल करो मैन ऑफ द मैच के लिए कुराल पलटन जल्द से जल्द अपना कैप्टन भेजे टॉस के लिए यहां पर कुराल पलटन के कैप्टन आते हुए यहां पर जीवित सर टॉस उड़ाते हुए काशिया इलेवन वर्सेस कुराल पलटन यहां पर काशिया कॉल देते हुए कुराल पलटन यहां पर टॉस जीते हुए अपना डिसीजन बता दीजिए कुराल पलटन टॉस जीतकर फील्डिंग करना चाहते हैं काशिया इलेवन अपने प्लेइंग इलेवन के साथ डगआउट में बैठ के बैटिंग करें